नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है टेक्निकल सुबोध जी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे पेंशन योजना के लिए अप्लाई कैसे करना है। इस वीडियो में आपको बताएंगे दोस्तों, यहाँ पे बहुत सारे योजना है, पेंशन देने वाला योजना है, इसमें अलग अलग पैसे दिए जाते हैं। इस वीडियो में आपको बताएंगे कैसे पेंशन योजना के लिए अप्लाई करना है, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगता है, कितना पैसा मिलेगा और कितना एज होना चाहिए, सब कुछ आपको बताऊंगा इस वीडियो में। देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो है तीन योजनाएं हैं। सबसे पहले है वृद्धा अवस्था पेंशन, उसके है निराश्रित महिला पेंशन और दिव्यांग एवं कुष्ठा अवस्था पेंशन। तो टोटल यहाँ पे बात करें तो पेंशन योजना जो है हमारे पास है चार योजना है। इसमें से आपको जो है किस योजना का अप्लाई करना है, इसमें आपको डिसाइड करना है। अगर आपको वृद्धावस्था पेंशन योजना के लिए अप्लाई करना है तो इसमें कितना पैसा दिया जाता है वो हम आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं आपको जो है ये एक ऑप्शन मिलेगा। अब यहाँ पे जो है आपका पोर्टल खुलेगा और यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं ऑनलाइन आवेदन करें और पात्रता आपको जरूर चेक करना है, इस पे क्लिक कीजिएगा। तो देखिए आयु जो है लगभग वृद्धा पेंशन का जो पैसा दिया जाता है लेडीज हो या जेंट्स को जो मिलता है उसका न्यूनतम जो है एज 60 साल से ऊपर होना चाहिए और 150 साल से नीचे होना चाहिए, ठीक है। और ग्रामीण क्षेत्र में उसका आयु जो है लगभग 46 हजार का होना चाहिए, शहरी क्षेत्र में 56 हजार का होना चाहिए, ठीक है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखना है। अगर आपके घर में कोई भी जो है महिला है या कोई जेंट्स है जिसका एज 60 पार कर चुका है तो आप उसका जो है वृद्धावस्था पेंशन के लिए अप्लाई कर दीजिए। हर महीने आपको जो है 1,000 रुपया बैंक खाते में दिया जाएगा, बस 1,000 रुपया आपको मिलेगा। आवेदक का पासपोर्ट साइज फोटो लगेगा, आवेदक का एक आय प्रमाण पत्र लगेगा और आधार कार्ड लगेगा, बाकी कुछ भी नहीं लगेगा, ठीक है। तो ये चीजें आप ध्यान में रख लीजिएगा। अगर व्यक्ति को कोई अन्य योजना का लाभ मिलता है जैसे पीएम किसान का, तो उसको ये योजना के लिए एलिजिबिलिटी नहीं है, ठीक है। अब बात करते हैं आवेदन कैसे करना है। तो यहाँ पे ये वृद्धावस्था पेंशन के लिए मैंने ये खोला था। अब यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन करने पे आपको सिंपली क्लिक कर देना है। जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का पेज खुलेगा जो कि ये फाइनल फॉर्म है आवेदक का, जो कि इसी को भरना होता है। आवेदक का आपको डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना होता है, आवेदक किस का प्रकार का है, जैसे कि नगरीय है या ग्रामीण है। तो ग्रामीण क्षेत्र से है तो आपको ग्रामीण सेक्शन पे क्लिक करना है, तहसील आपको बताना होगा, उसके बाद आपको जो है यहाँ पे ब्लॉक का नेम भी बताना होगा, फिर आपको पंचायत नेम और आपका विलेज नेम। अगर आप शहरी क्षेत्र में है तो शहर का नाम, आवेदक का नाम क्या है, तो आवेदक का नाम जैसे कि हम यहाँ पे डेमो वीडियो है ये आपके लिए। और फिर आपको जेंडर सेलेक्ट करना है, तो महिला का अगर अप्लाई करते हैं तो फीमेल करना है, अगर आप जेंट्स का करते हैं तो मेल पर टिक कीजिएगा। उसका एग्जाम्पल एक आपको जो है कोई भी डेट ऑफ बर्थ यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है जो आधार कार्ड में है, और पति के नाम भी आपको इस तरीके से सेलेक्ट करना है, और जाति का श्रेणी आपको बताना है ओबीसी एसटी और एससी माइनर जनरल। उसके बाद इंटर एक मोबाइल नंबर, तो आपको जो है यहाँ पे प्रॉपर एक मोबाइल नंबर टाइप करना है। फिर आपको जो कन्फर्म मोबाइल नंबर भी आपको सेम देना है जो आपके पास है, एंड आपको जो है यहाँ पे फुल एड्रेस देना है जो आपका आधार कार्ड में है। और फिर आपको जो मेन इम्पोर्टेंट है जो कि बैंक पासबुक होता है, जो कि इसी में 1,000 रुपया महीने दिए जाते हैं, तो आपको सबसे पहले बैंक का नाम सेलेक्ट करना है और उसके बाद आपको शाखा कहाँ पे है और बैंक के अकाउंट नंबर। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं इस तरीके से अकाउंट नंबर टाइप कर लेता हूँ, और फिर आपको फिर से वही खाता संख्या टाइप कर लेना है, ये आपको डेमो बताया जाता है, और ऑटोमेटिक ये का आईएफएससी कोड डिटेक्ट कर लिया जाएगा। उसके बाद आय का प्रमाण पत्र, बस यही एक डॉक्यूमेंट मैनिडेटरी है जो कि आय तहसील का जो आय प्रमाण पत्र नंबर आपको देना, जिसको हम इनकम सर्टिफिकेट भी कहते हैं। तो आय प्रमाण पत्र एप्लीकेशन नंबर और आय प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट नंबर इसमें आपको टाइप करना है। उसके बाद आपको नीचे आवेदक का एक फोटो अपलोड कर देना है, और अपलोड जन्म तिथि आयु प्रमाण पत्र, इसमें आपको जन्म तिथि के लिए भी मैंडेटरी होता है क्योंकि आवेदक जिसका अप्लाई कर रहे हैं उसका ऐसा तो नहीं है कि उसका एज ही नहीं हुआ है और आप अप्लाई कर रहे हैं,
तो आवेदक का एक रंगीन फोटो अपलोड करना है, फोटो और आवेदक का जो है एक आधार कार्ड भी अपलोड कर सकते हैं, या उसका कोई बर्थ सर्टिफिकेट है तो आप उसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या एज प्रूफ के लिए आप आधार कार्ड भी दे सकते हैं। और फाइनल ये आपको घोषणा पत्र को टिक करना है, एंड कैप्चा यहाँ पे आएगा, कैप्चा कुछ इस प्रकार से आएगा, जो कि कैप्चा है 8 8 4 4 2 7 है, और फाइनल आपको सबमिट कर देना है। सबमिट करते ही आपको एक रिसीविंग नंबर मिल जाएगा, और रिसीविंग नंबर को आप नोट कर लीजिएगा, बाद में आप स्टेटस चेक कर सकते हैं कि आपका एप्लीकेशन कहाँ तक पहुँचा है। अप्लाई करने के बाद ये आपका जो है चला जाएगा, आपका ब्लॉक लेवल पे जाएगा, भूमि राज्य जो यहाँ पे दिया गया है उसके पास जाएगा, आवेदक होगा और वहाँ पे आपका एप्लीकेशन स्वीकार किया जाएगा, उसके बाद जो है पेंशन मिलेगा। तो दोस्तों इसका जो है अप्लाई करने के बाद कुछ समय टाइम लगेगा, क्योंकि आपका डिटेल चेक किया जाएगा, आपका अप्रूवल होगा, फिर आपको जो पैसा मिलेगा। ऐसा नहीं कि आपने आज ही अप्लाई कर दिया और आज ही आपको पैसा मिल जाएगा, तो ऐसा नहीं है, आपको इंतजार करना होगा, अप्लाई करके छोड़ देना है। तो इस तरीके से आप जो है 1,000 रुपये का लाभ ले सकते हैं, पेंशन योजना के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि वृद्धा पेंशन के लिए, फिर नेक्स्ट वीडियो में दूसरा पेंशन योजना अप्लाई करके आपको दिखाएंगे। तो चलिए वीडियो समाप्त करते हैं, फिर नए वीडियो में आपसे मिलेंगे।